अच्छा यहाँ पर दिखाया जाता है कि मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। उसी तरह जो है चंद्रत्वा की, जो मैंने बताया अभी कुछ समय पहले। नोट में क्या, नोट का मतलब मेन, मतलब कुछ मुख्य चीजें हैं। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। लोप का अर्थ होता है नहीं रहता है, अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि किंतु परंतु तथा और इसलिए नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल कॉमा दिया जाता है, अर्थात अल्प विराम दिया जाता है। जैसे क्या सोचा था क्या हो गया, अर्थात ये जो है वाक्य जो है मेन वाक्य है, मुख्य वाक्य है और ये उपवाक्य है। यदि मेन वाक्य को मिटा दिया जाए तो क्या हो गया, अर्थात कुछ ना कुछ चीज़ें जो है छिपी हुई है जिसे प्रदर्शित करने के लिए मेन वाक्य को बोलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य क्या है। अब हम लोग तीसरे वाक्य में आ जाएंगे जिसे हम लोग मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका क्या नियम है, क्या बताया जा रहा है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। यहाँ पर भी बात एक ही है, मेन जो है वाक्य होगा उसके अलावा भी एक से ज़्यादा उपवाक्य हो सकते हैं, मतलब उस पर डिपेंड हो सकते हैं। दूसरा क्या बताया जा रहा है, इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जैसे संयुक्त में था, तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, मतलब उस पर डिपेंड होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, मतलब जो डिपेंड रहता है उसे आश्रित बोलते हैं और जो डिपेंड नहीं रहता है उसे मुख्य वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजक को से जुड़े रहते हैं। व्याधिकरणों योजक का मतलब होता है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये योजक जो जब तब जहाँ वहाँ की क्योंकि अगर इसलिए सॉरी अगर यदि इत्यादि होते हैं। अर्थात इसमें ज्यादातर दो शब्दों से ही वाक्य की रचना की जाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है,